मैंने जब फर्स्ट टाइम एक गाड़ी के पीछे मारखोर का निशान बना देखा था तो मेरे जहन में ये बात आई थी कि इसके अंदर ISI का कोई अंडरकवर एजेंट बैठा है। एक दो दिन बाद मैंने ये निशान एक 2T70 के पीछे देखा तो फिर मैंने सोचा कि ISI का एजेंट एक 2T बाइक पे तो नहीं फिर रहा होगा, और अगर फिर रहा होगा तो फिर पीछे निशान बनवा के तो नहीं फिर रहा होगा। आप में से भी अक्सर लोग अक्सर ये निशान किसी गाड़ी या बाइक के पीछे बना देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये क्या मामला है। अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये निशान है किस चीज़ का, ये रिप्रेजेंट किसको करता। तो आज हम बात करेंगे मारखोर के निशान के बारे में जो लोगों ने अपनी गाड़ियों और बाइक्स के पीछे बनवा रखा है। तो यार बात ये है कि पाकिस्तानी कौम इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स की मारी हुई है कि ये कोई भी चीज़ इनके हाथ लगती है तो उसका हशर नशर कर देते हैं। टिकटॉक आया, पाकिस्तानियों ने नाचना शुरू कर दिया, लड़कों ने लड़कियों के कपड़े पहन के नाचना शुरू कर दिया, बूढ़ों ने जवान बनना स्टार्ट कर दिया, और जिसका जिधर मुंह आया वो उधर चल पड़ा, लेकिन किसी ने अपना आप नहीं दिखाया। बिल्कुल उसी तरह ही जब किसी एक बंदे ने अपनी गाड़ी के पीछे ये मारखोर का निशान बनवाया तो देखने वाले दूसरे ने भी बनवा लिया, उसे देखते देखते तीसरे चौथे पांचवें ने भी बनवा लिया। फिर समझ आई कि यार ये निशान तो ISI का है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ISI वाले ये निशान अपनी गाड़ियों और बाइक्स के पीछे बनवा के फिरते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ISI दुनिया की नंबर 1 है।